नंबर दो, बहुत ज्यादा है, दुनिया की चाहत, चाहिए 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 में बहुत कुछ आदमी खो देता है, और बड़ी चीज सबसे जो खोता है वो क्या खोता है, दिल का सुकून। ये चाहिए, वो चाहिए, ये भी चाहिए, तो दुनिया की चीजों की चाहत खुद एक परेशानी है। आदमी दुनिया के पीछे दौड़ता दौड़ता है, कभी माल के लिए, कभी गाड़ी मोटर बंगला ये वो ऑल फॉल सब चीजों के पीछे दौड़ता है। इस दौड़ने में वो अपनी जिंदगी का सुकून भी खराब कर लेता है। इसके पीछे दौड़ना बुरा नहीं है, लेकिन बड़ी रेस की तरह दौड़ना है, पागलों की तरह नहीं दौड़ना चाहिए। दुनिया में आदमी दुनिया के लिए कुछ करे, हम सब जो कुछ भी कुछ ना कुछ करने वाले हैं, आपको जॉब छोड़ने के लिए कोई नहीं कह रहा है, लेकिन आप एक आदमी दुनिया में दीवाना हो जाए ये तो सही चीज नहीं है। एक आदमी दौड़ रहा है और दौड़ते दौड़ते पतंग पकड़ने के लिए दौड़ रहा है, और वो ये भी नहीं देख रहा है कि पतंग खाई में लेके जाएगी मुझको। कोई आदमी दौड़ते दौड़ते खाई में चला जाए पतंग के लिए, इसको बेवकूफ़ी कहा जाएगा, इसको जाहिल कहा जाएगा। उसकी एक लिमिट होती है, वो देखता है कि पतंग अब गई, अब मैं खाई में जाऊंगा, अब उसके पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। इतना इंटेलिजेंट आदमी को होना चाहिए। छोटी चीज़ को पाने के लिए बड़ी चीज़ को खोने वाला आदमी बेवकूफ़ होता है। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे होते हैं लेकिन उसी कैटेगरी में फिट होते हैं कि वो दुनिया की चीज़ों को पाने में अपनी फैमिली लाइफ, अपना सुकून, अपना मेंटल पीस, अपना दीन बर्बाद कर देते हैं। इस्लाम हमको सिखाता है उतना दौड़ो जितना दौड़ना चाहिए, लेकिन इतना मत दौड़ो कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए आखिरत की फिक्र करना चाहिए। हमारा टारगेट दुनिया तक हो नहीं, हमारा टारगेट कहां होना चाहिए? दुनिया के पार। आपको एक ही जिंदगी मिली है, दो हैं, दो जिंदगियां हैं, एक दुनिया की एक आखिरत की, मरने के बाद। वो हायर लाइफ है, उसमें बहुत बड़ी बड़ी नेकियां हैं और उसमें बहुत बड़ी बड़ी नेमतें हैं। उन नेमतों के लिए जो आदमी नहीं दौड़ रहा आज, वो पागल आदमी है। एक आदमी जो कंपनी में एक साल ही के लिए प्लानिंग कर रहा है, एक महीने के लिए कर रहा है, एक हफ्ते के लिए कर रहा है, गलत है। उसको लॉन्ग टर्म प्लानिंग होना चाहिए। तो हमारी जो प्लानिंग है वो सिर्फ दुनिया तक नहीं होना चाहिए, हमारी प्लानिंग आखिरत तक के लिए होना चाहिए। जो आदमी आखिरत तक के लिए प्लानिंग करता है उसको सुकून मिलता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन कानत अल आखिरत हम्महु जअल अल्लाहु गिनाहु फी कल्बी। जिस आदमी का टारगेट, उसका मकसद, उसका मकसूद, उसका गोल आखिरत होता है, मुझको मरने के बाद की जिंदगी में भी सुकून चाहिए, जो उसको वहां तक का टारगेट जिसका होता है, जो आखिरत को असल मकसद बनाता है, प्रायोरिटी किसको देंगे, दुनिया को, आखिरत को? आखिरत को। कितने लोग हैं जो आज बचा बचा के रखते हैं, कम खाते हैं, कम सादा पहनते हैं, क्यों? ये बच के जब कल बढ़ेगा तो कल काम आएगा, बुढ़ापे में काम आएगा, तो वो अपने बुढ़ापे को सोच के आज कम पे जी लेता है। यह अकलमंद आदमी होता है। एक आदमी आखिरत को देखकर दुनिया में चल जाए किसी तरह से, उसका असल प्रायोरिटी आखिरत है, उसको सुकून मिलता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन कानत अल आखिरत हम्महु, जिस आदमी का आखिरत उसकी असल फिक्र की चीज हो, जिसका असल मकसद आखिरत हो, जअल अल्लाहु गिनाहु फी कल्बिहि, अल्लाह उसके दिल में गिना पैदा कर देता है, उसके दिल को मालदार कर देता है। असल मालदारी दिल की होती है, तिजोरी की नहीं। वजमा लहु शमलहु, और उसके हालात को दुरुस्त कर देता है, उसके बिखरे हुए मामले को बिल्कुल समेट देता है। वह अतत हु दुनिया वही रागिमा, और दुनिया खुद उसके पास चल के आती है जलील होकर। उसको अल्लाह देता है दुनिया में जो आखिरत को मकसद बनाता है। वह मन कानत दुनिया हम्मा हो, और जिस आदमी का असल मकसद दुनिया हो, जअल अल्लाह फक्रहु बैन ऐनैहि, अल्लाह ताला मोहताजी को, गरीबी को, फकीरी को उसकी आंखों के बिल्कुल सामने करता है। उसको दिखता है तो सिर्फ गरीबी दिखती है, इसलिए दौड़ता ही रहता है जिंदगी भर। इसलिए आप देखिए बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, मजदूर खा रहे हैं, टाइम पे खा रहा है, और वो टाइम नहीं, अगली मीटिंग है, वहां से वहां, वहां से वहां, काहे की नहीं कर रहा है तू इतना, एक तो जिंदगी मिली, कल फट से मर जाएगा, न खाने का वक्त है तेरा, न पीने का वक्त है, ना बीवी के लिए वक्त है, ना बच्चों के लिए वक्त है, किसके लिए कर रहा, इन्हीं के लिए, और उनके लिए वक्त नहीं, उनको ये नहीं चाहिए, उनको तू चाहिए, उनके पास तू नहीं है, तेरे पास वो नहीं है, क्या कर रहा है तू? कितने लोग दीवानों की तरह दौड़ते हैं जिंदगी। बाज़ औकात इंसान का सबसे बड़ा अलमिया क्या है, इसको याद रखिए और अंडरलाइन करके रखिए, इंसान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो बाज़ औकात गोल्स के लिए, मींस के लिए दौड़ता है, और फिर मींस के लिए इतना दौड़ता रहता है कि गोल्स भूल जाता है। बहुत बड़ा मसला है। बाज़ औकात, अक्सर औकात इंसान वसायल ही को मकासिद बना लेता है,
वो मींस ही को गोल समझ के उन्हीं के लिए जिंदगी खर्च कर देता है, गोल्स बाजू रह जाते हैं। बीवी बच्चों के लिए सब करना है, ठीक है ये करना है, इसमें इतना लग जाता है कि वही गोल्स बन जाता है, बीवी बच्चे रोने लग जाते हैं, उसके बगैर जीना सीख लेते हैं। क्या है ये जिंदगी है? ये जिंदगी नहीं है, ये मशीन है, ये मशीन का बन गया आदमी अभी। इसीलिए यहां क्या कहा, जाल अल्लाह फकरहू बैन आइनैही, वो आंख खोलता है तो उसको गरीबी दिखाई देती है। कभी मैं गरीब हो गया तो तिजोरी में कितना है तेरे? 2 करोड़ है, लेकिन ये कम पड़ेंगे ना, कभी तो खत्म होंगे कि नहीं होंगे? अगर ऐसे ही रखा रहा तो ये काम 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 होते होते खत्म हो जाएंगे। तो इसको बढ़ाने के लिए या इन्वेस्ट, वहां इन्वेस्ट, वहां इन्वेस्ट, और तुम्हारे पास क्या है? कुछ भी नहीं जेब में। तो जिस आदमी के पास कुछ नहीं है वो मर जाता फौरन, कि कल तक जिंदा ही नहीं रहेगा? नहीं, वो रास्ता निकालता है, वो कुछ ना कुछ रास्ता निकालता है। दुनिया में कितने लोग हैं, गरीब लोग जी लेते हैं, इतना रह के भी वो परेशान होता है, उसको फिक्र रहती है कि कैसे बढ़ाऊं कैसे बचाऊं। जिसके पास नहीं है उसको पाने की फिक्र है, और जिसके पास है उसको बचाने और बढ़ाने की फिक्र है। फिक्र से कोई भी बचरा नहीं है, कितनी बड़ी मुसीबत है। जाल अल्लाह फकरहू बैन आइनैही व फर्रक अलैहि शमलहू, और उसके मामले को अल्लाह बिखेर देता। क्यों? इसने आखिरत को प्रायोरिटी नहीं दी, इसको दुनिया में हम बिखेर देंगे। वलम यातीही मिन दुनिया इल्ला मा कुद्दिर लहू, और दुनिया में से उसके पास उतना ही आता है जितना उसके लिए अल्लाह ताला देना तय करे, उससे ज्यादा मिलता नहीं। बर्तन जितना भी लेके जाओ अल्लाह के पास जो नाप है उसी से उतना मिलेगा। अल्लाह ने थोड़ा देना है, ये बड़ा बर्तन लेके गया अल्लाह के पास, कितना मिलेगा? उतना ही मिलेगा उसको। तो देने वाले का बर्तन देखना चाहिए, लेने वाले का नहीं। अल्लाह ताला अगर बड़े बर्तन से दे तो फिर इसका बर्तन छोटा भी पड़ सकता है, और अल्लाह ताला अगर छोटे बर्तन से इसको दे तो बड़ा बर्तन ले जाने से वो फूल होने वाला है नहीं। तो देने वाला कितना दे रहा है वो देखना चाहिए, मैं कितना उसके लिए बर्तन ले जा रहा हूं ये असल नहीं है। अल्लाह ताला जितना देता है उतना इंसान को मिलता है, इसमें खुशी भी है, और इसमें अननेसेसरीली अपने एफर्ट्स को वेस्ट करना भी नहीं है। अल्लाह देगा मिलेगा, ये सुकून देता है इंसान को। बहरहाल तो आखिरत को मकसद बनाना ये उसका हल है। इसी तरह से कंटेंटमेंट जिसको आप कहते हैं, जिसको आप कनाअत कहते हैं, कि हर वक्त मुंह खोल के चाहिए चाहिए ये नहीं होना चाहिए। कभी मुंह बंद भी करे आदमी, आदमी को मालूम हो कि बस भाई रुकना है तो कभी रुकना भी तो उसको मालूम हो, या आते ही रहने देना चाहिए, मतलब चाहिए मुझको, वो गोया कि जहन्नम हो गया कि हाल में मजीद कह रहा कुछ और है कुछ और है उसको। तो आदमी को कभी रुकना चाहिए जिंदगी में कि बस मेरे पास सब कुछ है, अब इसको मुझको एंजॉय करना है, अब ये बच्चों के साथ, अब घर के साथ इबादत ये वो सब करने, रुकना भी चाहिए आदमी को। वो कब रुकता है वो उसको डिसाइड करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अलगिना फिल कल्ब वल फक्र फिल कल्ब, अमीरी भी दिल में होती है गरीबी भी दिल में होती है। इतनी बड़ी बात है, आप सोचिए कि जो आदमी, मिसाल के तौर पर एक आदमी, उसके पास 1000 रुपये है और उसको कोई टेंशन नहीं, 1000 है मेरे, हफ्ता चल जाएगा और एक हफ्ता छुट्टी ले रहा हूँ, उसके बाद जाऊंगा मैं रिक्शा पे तो लेके आऊंगा, खाएंगे पिएंगे खुश रहेंगे। ये आदमी है जिसको लगता है अपने पास 1000 है अभी, एक हफ्ते भर का अपने पास, कल जाऊंगा तो कल और लेके आऊंगा, छापूंगा बोलते हैं वो लोग, रिक्शा वाले बोलते छाप कितने छापा, दो रिक्शा वालों को सुनिए आप बात कर, उनकी अपनी लैंग्वेज होती है। 1000 रुपये उसके पास है और कुछ नहीं उसके पास, और वो सुखी है। और दूसरा आदमी उसके पास लाखों है लेकिन वो सोचता है लाख खत्म हो जाएंगे अपने को आगे क्या होगा। तो गरीब कौन है दोनों में से? गरीब बोलते किसको, कभी आप सोचे हैं गरीब किसको बोलते हैं? गरीब है नहीं है से नहीं होता है, चाहिए नहीं चाहिए से होता है। जो आदमी उसके पास बहुत है और बहुत चाहिए वो फकीर है, जो आदमी जिसके पास थोड़ा है और नहीं भी मिला तो चलता ये अमीर है। अमीर वो है जिसको नहीं चाहिए, लेकिन गरीब कौन है जो बहुत चाहिए उसको? तो वो मोहताज कौन है दोनों में से? नीडी कौन है? जिसको चाहिए वो नीडी है, जिसके पास थोड़े में भी वो हो जाता उसको वो नीडी नहीं है, वो आदमी गैरतमंद हो रहा है, नहीं चाहिए हमको, हम नहीं सुनते किसकी। लेकिन जिसको चाहिए वो, हाँ साहब क्या है बोलो, तो उसके पास बहुत रह के भी वो गुलाम है। लेकिन जिसके पास नहीं है थोड़ा है वो ताम सुनते नहीं किसके, हमारे पास सब अल्लाह का दिया हुआ, वो आदमी बहादुर है, वो आदमी हिम्मत वाला है, वो आदमी झुकेगा नहीं कभी, वो गरीब नहीं है। गरीबी दिल में होती है, हदीस बताती है अलगिना फिल कल्ब वल फक्र फिल कल्ब, गरीबी मालदारी दिल में होती है और गरीबी मोहताजी दिल में होती है। मन कान अलगिना फी कल्बिही ला यदुर्रुहु मा लकिया मिन अद्दुनिया, जिसकी अमीरी उसके दिल में है दुनिया की तकलीफें उसको नुकसान नहीं पहुंचाती है, परेशानी आई उसकी नो प्रॉब्लम,
वो आगे निकल जाता है, क्योंकि उसके दिल में अपने आप को क्या है, मोहताज नहीं किसी का। वमन कान अल्फक्र फी कल्बिही फला युग्नीही मा अक्थर लहू उक्थर लहू फी दुनिया। और जिस आदमी की मोहताजी दिल में हो, दुनिया में उसको कितना भी दिया जाए, दुनिया में ज्यादा से ज्यादा उसको मिले, वो आदमी दुनिया का मिलना उसके लिए उसको उसको गनी नहीं बना पाता है। वह इन्नमा यदुर्रु नफ्सहु शुहुहा, और एक आदमी को उसकी लालच ही नुकसान पहुंचाती है। तो दुनिया में लालच और दुनिया की तलब और उसके लिए दौड़ना दौड़ना दीवानों की तरह से, ये जो चीज़ है ये भी आदमी का सुकून ख़राब करती है। उसका इलाज क्या है, आदमी कनात करे, हाँ मेरे पास है, वो अपने मिले हुए को काफ़ी समझे, वो दुनिया छोड़े नहीं लेकिन दीवानों की तरह उसके पीछे दौड़े भी नहीं।